हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो हेयर मास्क पे रहने वाली है। तो आपको बहुत से हेयर मास्क मार्केट में मिल जाएंगे जो केमिकल से युक्त होते हैं, बट मैं आपके साथ घर पे बना हुआ केमिकल फ्री हेयर मास्क बताऊंगी जो आप इजीली अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके जो बाल है वो स्मूदी, शाइनिंग और बहुत ज़्यादा अच्छे बने रहेंगे, और साथ साथ हमारे जो बाल है वो लॉन्ग और फ्रिजी फ्री हो गए। जिन चीज़ों से हम हेयर मास्क तैयार करेंगे वो हमें घर पे ही इजीली मिल जाएंगे। सो मैं अभी आई हूँ अपने किचन में, एंड जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना। मेथी दाना तो सबके घर में इजीली मिल जाता है क्योंकि इसको मसालों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो मैं 2.5 टीस्पून मेथी दाना के लूँगी, और आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड मैं इसको पूरी रात पर भिगोने के लिए रख दूंगी और अगली सुबह इसको यूज़ करूंगी। सो सेकंड इंग्रेडिएंट है कर्ड, एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। तो एलोवेरा तो मैं अभी अभी अपने खेत से ही तोड़ के लेके आई हूँ। अब एलोवेरा अच्छे से वॉश करके इसका पल्प निकालना है। तो इसका जो पल्प है वो काफ़ी स्टिकी है, एंड इसको अच्छे से निकाल दो और एक कटोरी में, तो मैंने भी सारा पल्प कटोरी में निकाल लिया है। अब मिक्सी में अच्छे से मेथी दाना और एलोवेरा जेल का अच्छे से पेस्ट बनाना है, बट आप इसमें दही ना डालें, अदरवाइज दही की छाछ बन जाएगी। एंड पेस्ट रेडी है, और 10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, एंड देन उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई कर देना है। आपका जो पेस्ट है ये पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये बालों से टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ मेथी दाने के फ़ायदे। तो जो मेथी दाना है इसमें मिनरल, प्रोटीन एंड आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये सब चीज़ें हमें मेथी दाना में मिल रही है तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। जो आपने पेस्ट बनाया है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूट्स पे अप्लाई करें। सो सेकेंडली हम यूज़ करेंगे कर्ड। तो कर्ड के भी तो अपने ही फायदे हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप अपने बालों में कर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमारे बालों में डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, अगर हमारे स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक कर देता है। एंड थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। एलोवेरा के भी अपने ही फायदे हैं। एलोवेरा बालों को स्मूथ बनाता है, शाइनिंग बनाता है। मास्क को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं बालों को बन में टक कर दूंगी, और इस मास्क को मैं 2 घंटे तक रखूंगी, और उसके बाद मैं अच्छे से बालों को वॉश कर लूंगी। सो टन टन, तो मैं तो हेयर वॉश करके आ गई हूँ, और मेरे बाल बहुत ही सिल्की शाइनर लग रहे हैं मास्क अप्लाई करने के बाद। मुझे ये मास्क बहुत अच्छा लगा। आप ये तो जानते ही होंगे कि जो होम रेमेडीज होती है वो एक बार यूज़ करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको एक से ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। मुझे इस मास्क को यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनिंग, स्मूथी और बिल्कुल फ्रिजी फ्री हो गए हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करके। आप भी अगर इसको यूज़ करें तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मास्क कैसा लगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।